एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूं आपसे खूबसूरती का वो ख़जाना जिसका यूज़ रानी महारानियां अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए करती थी और जिसको यूज़ करके वो हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। तो ये रेमेडी बहुत कमाल की है दोस्तों। जिस तरह की खूबसूरती और जिस तरह का निखार और जिस तरह की चमक आप अपने अंदर चाहते हैं, अपने फेस पे चाहते हैं, अपनी बॉडी पे चाहते हैं, वो ये रेमेडी करके दिखाने वाली है आपको सिर्फ एक ही बार में। और जिस तरह से आप जिस तरह से दिन ब दिन इस रेमेडी का यूज़ करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गज़ब की चमक, आपकी स्किन पे एक गज़ब की चमक, एक गज़ब का निखार आता चला जा रहा है। और पहली ही बार में ये आपको विजिबल रिजल्ट देखा, यानी पहली ही बार में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कुछ तो जादू हुआ है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार ताकि आने वाले मेरे अच्छे अच्छे और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आपको इसी तरह मिलते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे डेली वीडियोज़ आपको इसी तरह मिलते रहें। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस कमाल की रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक खाली बाउल ले लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से खाली बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चंदन पाउडर। दोस्तों चंदन पाउडर आप कोशिश करिए कि असली चंदन पाउडर हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है चंदन पाउडर, और ये देखिए इस तरह से। और सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे चिरौंजी पाउडर। चिरौंजी पाउडर दोस्तों, चंदन जो है हमारी स्किन को ज़बरदस्त फेयरनेस देता है और गोरापन लाने में, स्किन पे गोरापन लाने में इसका कोई कम जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, बहुत ही कमाल का होता है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिरौंजी पाउडर। ये देखिए इस तरह से मैंने चिरौंजी पाउडर ऐड कर लिया है इसमें। दोस्तों चिरौंजी जो है वो भी हमारे स्किन को बहुत ही चमक देती है, हमारी स्किन पे चमक देती है, ग्लो देती है, शाइन देती है और फेयरनेस को भी बढ़ाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून रोज़ पीटल पाउडर। ये देखिए मैं इसमें रोज़ पीटल पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों गुलाब जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एक पिंकिश ग्लो देता है, गुलाबी रंगत देता है हमारी स्किन पे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुलाब की पत्तियों का पाउडर जो मैंने घर पर ही बनाया है। गुलाब की पत्तियों को छाँव में सुखा के उन्हें ड्राई कर लिया है, मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से उसे पीस लिया है, पाउडर बना के रख लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों 1/2 टीस्पून हल्दी। यानी हल्दी जो होती है दोस्तों वो हमारी स्किन पे बहुत ही प्यारी रंगत लेकर आती है, गोरापन लेकर आती है और हमारे रंग को काफ़ी फेयर करती है, एंटी बैक्टीरियल भी होती है। अगर आपके फेस पे कोई किसी तरह के स्पॉट है तो उनको भी ये रिमूव करती है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून रोज़ वाटर। ये देखिए, और लास्ट में दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा, चमक लेकर आएगा और आपके रिंकल्स को रिमूव करेगा। जो चेहरे पे आपके महीन लाइंस आ जाती हैं, महीन सी, उनको ये रिमूव करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा रॉ मिल्क। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह का आपको, ये आपका बहुत ही मिरेकल और एक ऐसा नुस्खा बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। देखिए ये इतनी मिरेकल रेमेडी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। जिन चीज़ों का मैंने इसमें यूज़ किया है वो ही अपने आप में कमाल की खूबियां रखती हैं आपको गोरा करने में, आपकी स्किन को ब्राइट करने में। अब मैं इसको बताती हूँ कि आपको लगाना कैसे है। आपको ये दोस्तों रेमेडी लगानी है नहाने से पहले। जब आप नहाने जा रही हूँ आप इस मिक्सचर को इस तरह से अपने हाथ पर ले लीजिए और अपनी पूरी बॉडी पे, यानी फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, लेग्स पे और पूरी बॉडी पे आपको इस तरह से रब करते हुए लगाना है इसको। ये अच्छी तरह से पूरी बॉडी पे लगा लीजिए। पूरे लगाने के बाद आप 1 घंटे तक इसको इसी तरह से रहने दीजिए, यानी कम से कम आपको 1 घंटा ये रेमेडी लगाए रहनी है। उसके बाद अपनी बॉडी को आप वॉश कर लीजिए। आपको कोई भी सोप, कोई भी जेल नहीं यूज़ करना है जब तक आप इस
रेमेडी का यूज़ करेंगी और आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कमाल का फ़र्क नज़र आ रहा है, कमाल का ग्लो नज़र आ रहा है, कमाल की फेयरनेस हो गई है और आपकी स्किन दिन पर दिन यंग होती चली जा रही है। ये दोस्तों मैंने खुद ट्राई किया है, उसके बाद आज आपके साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ मुझे, और इसके रिज़ल्ट मैं बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देख रही हूँ अपने ऊपर, तो मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मैं इसी तरह की इफेक्टिव रेमेडीज़ लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह की रेमेडीज मिले तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। अब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ में मुझे याद रखिए, और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। बाय बाय।